हेलो एवरीवन वेलकम टू अवी मन यू आई एस आई एम सार्थकल्टी मन यू आई एस तो आज आपके सामने एक वीडियो लेके आया हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे जो आपके बहुत काम आ सकता है विच इज़ की पॉलिटी हाउ टू प्रिपेयर पॉलिटी फॉर योर अपकमिंग एग्जाम ऑफ पंजाब पी सी एस राइट पॉलिटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है फिर चाहे वो आपका प्रिलिम्स हो चाहे मेन्स हो राइट काफ़ी सारे क्वेश्चन इससे डायरेक्टली आते हैं इसको आप डेफिनेटली इग्नोर नहीं कर सकते बट एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठता है कि सर इसको प्रिपेयर कैसे किया जाए कि एक इफेक्टिव वे में हॉलिस्टिकली और कम टाइम के अंदर कैसे इसको आप प्रिपेयर कर सकते हैं क्या क्या सोर्सेज हो सकते हैं इसके कहां से प्रिपेयर करना है कहाँ से पढ़ना है एनसीआर टी कौन सी ऑल दिस थिंग्स इस सब कुछ आज के इस लेक्चर के अंदर कवर किया जाएगा तो आई वॉन्ट यू टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड इस वीडियो के बाद आपको आपके इस क्वेश्चन का आंसर डेफिनेटली मिल जाएगा कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि सर पॉलिटी कैसे करनी है उसका आज आपको सोल्यूशन डेफिनेटली मिलने वाला है राइट सो विद ऑल दिस लेट स्टार्ट आवर वीडियो पहले आपको एक चीज बता दू अगर हम बात करें द नंबर ऑफ क्वेश्चन पॉलिटी अगर हम प्रस की बात करें तो आपको हर साल ऑन एन एवरेज इजिली सिक्स टू टेन क्वेश्चन प्रिलिम्स के अंदर आपको मिलेंगे और रही बात अगर मीन्स की मैं करूं मीनस के अंदर थर्टी टू फोर्टी मार्क्स तो मिनिमम है ही है डेडिकेटेडली आपके पॉलिटी या फिर आप कह सकते हैं आपकी गवर्नेंस एस्पेक्ट जो भी इसी में से रिलेटेड है राइट right? आज का जो लेक्चर होगा वो आपका बेसिकली प्रीलिम्स ओरिएंटेड होगा अगर हम प्रीलिम्स की बात करें तो उसके लिए अगर पॉलिटी की बात करें तो कैसे प्रिपेयर करना है बिकॉज इफ़ यू आस्क मी आउट ऑफ द टू प्रीलिम्स एंड मीन्स प्रीलिम्स इज एक्चुअली मोर इम्पोर्टेंट देन मीन्स बट एट द सेम टाइम इसका ये बिल्कुल ही मीनिंग नहीं है कि आपको मेंस के लिए प्रिपेयर नहीं करा ऑब्वियसली मेंस के लिए भी प्रिपेयर करना है बट प्रीलिम्स के ऊपर आपका बहुत ज्यादा फोकस डेफिनेटली होना चाहिए अभी के लिए क्योंकि अगर प्रिलिम्स नहीं होगा तो मेंस का वैसे मतलब नहीं बनता और सबसे ज्यादा कॉम्पिटिशन भी अगर होता है तो आपका प्रीलिम्स वाले में ही होता है मेन्स के अंदर एज सच अगर आपने पहली बारी में प्रीलिम्स निकाल लिया तो मेन्स निकालने की प्रोबेबिलिटी आपकी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है राइट सो विद ऑल दिस अभी हम बात करते हैं कैसे आपको प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर करना है आई मीन पॉलिटी कैसे प्रिपेयर करनी है प्रीलिम्स के लिए राइट जिस ऑल राइट नाउ पॉलिटी के अंदर भी दो चीजें एक आपकी स्टैटिक पार्ट और ये आपका डायनामिक पार्ट राइट स्टैटिक से पहले हम बात करते हैं डायनेमिक पार्ट की एज सच कुछ डायनेमिक पार्ट इतना ज्यादा नहीं होता पॉलिटी में से बट मान लो कोई रिसेंट आपकी अमेंडमेंट्स आई हैं आपकी अमेंडमेंट हुई है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई राइट right? कोई जजमेंट पास हुआ है रिसेंटली कोई इंपॉर्टेंट जजमेंट पास हुआ है फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल 370 पे आया था अभी 377 पे चला था इस टाइप की इंपॉर्टेंट जजमेंट्स आई हैं आपकी एंड एज वेल एज दीज और आपके जो स्टेटिक पार्ट भी आएगा ना आपके एग्जाम के अंदर दैट विल बी बेस्ड ऑन करंट अफेयर्स मतलब आपके डायनेमिक पार्ट डायनेमिक पार्ट का मतलब होता है जो चेंज होता है जो करंट अफेयर वाला जो पार्ट है आपका डायनेमिक का मतलब यहां पर क्या है आपका करंट अफेयर्स राइट ये करंट अफेयर वाला जो पार्ट है तो आपको ये सब चीजें पहली बात नजर में रखनी होती अब ये तो मैंने बताया इसका मीनिंग क्या है अब जो मेन मुद्दा आता है कि प्रिपेयर कहाँ से करें सर तो हम अगर मैं आपको डायनेमिक पार्ट की बात आऊं तो सबसे जो पहली चीज है जो आपको बिल्कुल भी मिस आउट नहीं करनी दैट इज अवज पेपर न्यूज पेपर तो आपका सब उठ सुबह उठते सबसे पहला काम आपका अखबार पढ़ना ही है If you ask them, सबसे पहला काम आपका आई I मीन mean, फ्रेशन अप होने के बाद द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू टू योर सेल्फ फॉर प्रिपरेशन इज रीडिंग द न्यूज पेपर अब न्यूज पेपर में भी आपके सामने दो ऑप्शन है आई दर यू कैन गो फॉर द हिंदू एज वेल एज यू कैन ऑल्सो गो फॉर द इंडियन एक्सप्रेस बट एक ही पढ़ना दोनों के दोनों मत पढ़ने बैठ जाना अभी के लिए कि हाँ वो दोनों ही कवर कर लेते हैं ज्यादा नहीं कर पाओगे वो ट्रिलिम्स के लिए जरूरत भी नहीं है एक को ही अच्छे से होल हार्टेडली फॉलो करना है चाहे वो हिंदू हो चाहे इंडियन एक्सप्रेस हो आपको यहाँ पर कंसिस्टेंसी मैटर करती है आपके लिए कि आपको मिस आउट नहीं करना आपको डेली बेसिस पे पढ़ना है इसको दैट इज द की ओवर हेयर बच्चे यहाँ पर क्या करते हैं बच्चे करते हैं कि हमें सर न्यूज़ पेपर कवर नहीं रहा वो मिस एक्चुअली वो क्या करते हैं दूसरे सोर्सेज भी स्टार्ट कर देते हैं साथ के साथ बट दैट इज दर बिगेस्ट मिस्टेक अपने सोर्सेज को रखना है आपको कम बट कंसिस्टेंसी बार बार पढ़ना है अच्छे से पढ़ना है होलिस्टिकली पढ़ना है दैट इज द की राइट तो इस चीज़ का खासा ध्यान रखें कोई भी एक न्यूज़ पेपर फॉलो करें पहली चीज़ उसके बाद उसके बाद आपकी जो करंट अफेयर्स की जो मैगजीन्स आएंगी बुकलेट्स कह लो आप मैगजीन्स कह लो उनको एज अ रिविजन बेस पे आपको प्रिपेयर करना है डेली बेसिस पे उनको पे उसको बेसिस करना है अगर आप न्यूज पेपर अच्छे से कवर कर रहे हैं ना तो आपको ये जो मैगजीन्स हैं जो बुकलेट्स हैं इसको कवर करने में ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला ये बहुत ही जल्दी हो जाएंगी आपकी प्रो डिस्क्लेमर यहाँ पर है कि आप न्यूज पेपर अच्छे से कवर कराओ तो राइट सो दीज टू थिंग्स सिर्फ इतना ही करना है एज सच आपको एज फार एज द करंट अफेयर पार्ट ऑफ द पॉलिटी इज कंसर्न क्लियर है और ये प्रीलिम्स के लिए बता रहे हैं जब मेंस की बात आएगी तो मेन थोड़ा सा बाद में बताएंगे आज का लेक्चर आपका प्रीलिम्स ओरिएंटेड ही रहने वाला है कि आपको पॉलिटिक कैसे प्रिपेयर करनी है आपके प्रीलिम्स वाले लेवल के लिए क्लियर है डायनेमिक पार्ट आई थिंक कवर हो गया कि आपको ऐसे फॉलो करना है और आपको जो बुकलेट्स के अंदर भी आपको जो पॉलिटी वाला सेक्शन होगा जो पॉलिटिक्स रिलेटेड होगा वहां पर आपको वही इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स जजमेंट्स राइट right? इसके अलावा भी कुछ और अफेयर आपके अगर चल रहे हैं आपके इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड तो उनको फॉलो करना है आपको होता क्या है कि उनकी वजह से आपको काफ़ी सारा आपका स्टैटिक पार्ट भी अच्छे से कवर होता चला जाता है क्लियर है रिवीजन ही हो रही होती है आपकी प्रैक्टिकली आप देख रहे होते हैं एप्लीकेशन पार्ट आप समझ रहे होते हैं कैसे एक्चुअली ये जो एस्पेक्ट्स है पॉलिटी की कैसे अप्लाई होती है कैसे यूज होती है उससे ज़्यादा दिमाग में क्लैरिटी आती है ज्यादा चीज़ें समझ में आती हैं अच्छी सी राइट सो यू हैव टू डू द थिंग्स लाइक इन दिस मैनर ऑल राइट सो नाउ लेट्स कम ऑन टू द मेन पार्ट स्टेटिक पार्ट अब अगर अब हम पंजाब पीसीएस की बात करें फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहां पर स्टैटिक के लिए आपको हर कोई एक ही तो सबसे फेमस बुक आपको बताएंगे दैट विल भी लक्ष्मीकांत फर्स्ट ऑफ ऑल कि लक्ष्मीकांत कवर करनी है इफ यू आसमी ये yes, लक्ष्मीकांत बहुत अच्छा सोर्स है बिल्कुल है आप कर सकते हैं बट क्या पूरी की पूरी लक्ष्मीकांत पढ़ने की जरूरत है आपको तो स्ट्रेट मेरा आंसर है नो no. होल लक्ष्मीकांत फॉर पंजाब यहाँ पर आपको स्मार्टली प्ले करना होता है उसके लिए आपके लिए सबसे जरूरी पार्ट है पहला जब मैं कहूंगा आपको कहूंगा प्रीवियस ईयर पेपर कोई भी बुक पढ़ने से पहले आपको प्रीवियस ईयर पेपर को अच्छे से एनालाइज करना है दैट इज right? ये सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं हम कि प्रीवियस ईयर पेपर को बहुत हल्के में ले लेते हैं और ये आपको खुद करना है नो no डाउट हम भी करा रहे हैं आपको आपके असिस्टेंस के लिए वो कि आपको बाकी जगह से प्रीवियसड लाइक like, अभी यू आई आज ऑल्सो तो प्रोवाइडिंग यू द प्रीवियस पेपर्स हम भी कवर करते हैं लेक्चर्स लेके आते हैं बट वो सेकेंडरी है दैट इज टू असिस्ट यू दैट इज टू हेल्प यू आउट बट जब तक आप खुद तो नहीं प्रीवियस पेपर को अच्छे से करेंगे थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा तो आपको प्रीवियस पेपर खुद भी करने हैं एंड माइंड इट इट इज वेरी मच एलिमेंट फॉर यू बहुत अच्छी चीज़ है बहुत काम आने वाली चीज़ है एक बार आप कर लेंगे इतना टाइम टेकिंग प्रोसेस भी नहीं है राइट बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है डायरेक्टली क्वेश्चन भी आ जाते हैं कहीं ना कहीं सबसे तो बड़ा बेनिफिट क्या होगा प्रीवियस पेपर करने का आपको टॉपिक्स पता लगेंगे कि कौन से टॉपिक बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है या कौन से टॉपिक्स आपको इस बुक से प्रिपेयर करने की ज्यादा जरूरत है जिनका रिटर्न इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा है लाइक पार्लियामेंट चैप्टर हो गया आपका एंड ऑल अदर टॉपिक्स बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं तो प्रीवियस ईयर पेपर को सबसे पहले एनालाइज करना है आपको और कौन से कम से कम भी कम से कम भी पिछले सबसे पहले आपको लास्ट फाइव ईयर्स के जो लास्ट फाइव ईयर्स के एग्जाम है उनको अच्छे से एनालाइज करना है और हो सके तो उसके पिछले भी उससे पुराने भी करने हैं आपको देर इज अ थिंग कि पंजाब पीसीएस का पैटर्न बहुत ज़्यादा चेंज होता जा रहा है ऊपर नीचे हो रहा है स्पेशली जो लास्ट ईयर का एग्जाम है बहुत ज़्यादा आपका यूपीएससी लाइन होता चला जा रहा है वो राइट तो उसको दिमाग में जरूर रखना है आपको क्वेश्चन आप सिर्फ टॉपिक्स प्रीवियस पेपर आप सिर्फ टॉपिक्स को एनालाइज करने के लिए करें कहीं ना कहीं पैटर्न तो आपका इस साल भी कोई ना अपग्रेडेशन में ही जाएगा ईजियर नहीं होने वाला क्लियर है तो प्रीवियस ईयर पेपर फर्स्ट ऑफ तो ऑल चुपचाप तमीज से इसको अच्छे से करिए एक बार ठीक है एक बार करने से मतलब तो दो तीन बार आपको करने पड़ेंगे बार बार रिवाइज करते रहिए आपको एक पैटर्न दिखना भी स्टार्ट हो जाएगा कि ना कहीं राइट तो पहली चीज तो ये अब उसके बाद बात आती है कि लक्ष्मीकांत यस लक्ष्मीकांत पढ़नी है बट सिलेक्टिव चीजें ही पढ़नी है अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज एन डेफिनेटली एनसीईआरटी आपको कवर करनी है एनसीईआरटी कौन सी एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क दिस इज द एन सी आर टी दैट यू नीड टू डू इस एन सी आर टी पतली सी बुक है ज़्यादा बड़ी बुक है नहीं राइट right? इसको कवर करने की जरूरत है एक बार अच्छे से कवर कर लेंगे काफ़ी कुछ सीखने को मिल जाएगा राइट right? चलो अब ये तो बात होगी बुक लिस्ट की कि चलो सर ये बुक्स बता दी आपने रेफरेंस के लिए बता दी बट प्वालिटी को अच्छे से अगर एक्चुअली आप समझना चाहते हैं न राइट right? अगर आप अच्छे से समझना चाहते हैं तो आई विल रिय सजेस्ट यू कि यू कैन फॉलो अभी मन आप फॉलो कीजिए राइट right. अभी मन न्यू इसको फॉलो कीजिए मैं आपके लिए ऐसे ऐसे टॉपिक्स को कवर करता रहूँगा राइट वी हैव अदर ऑप्शन एज वेल वी हैव अ लॉट ऑफ कोर्सेज एज वेल फॉर यू यू कैन सब्सक्राइब ऑन टू दैट एज वेल विच आई विल बी टेलिंग यू राइट अभी आपको उसके बारे में बताऊंगा बट वोट आई रियली सजेस्ट यू कि येस yes, आप बुक्स को कर सकते हैं इट्स अप टू यू कि आप बस बुक्स को पढ़ना है बट वॉट क्यों आपको मैं क्यों कह रहा हूँ इसको फॉलो करने के लिए क्योंकि एक असिस्टेंस अगर आपको साथ में मिल जाए राइट right? आप जो मेहनत कर रहे हैं जो रिट आप इन्वेस्ट कर रहे हैं अपना टाइम मनी एंड ऑल दोस थिंग उसका अगर आपको ये पता लग जाएगी भाई मैं सही डायरेक्शन में कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूं मुझे कहां पे इंप्लीमेंट करना है टाइम क्या नहीं करना अगर वो चीज आपको प्रोवाइड हो जाए जो कि अभी बनी हुआ है प्रोवाइड कर रहे हैं थ्रू आवर वीडियोस मैं आपके लिए वीडियोस लेके आ रहा हूँ इसीलिए लेके आ रहा हूँ ये वीडियो बनाने का मोटिव भी यही है कि आपको पता लगे कि कैसे एक इफेक्टिव प्रिपरेशन हो सकती है एक कॉम्प्रीहेंसिव वे में प्रिपरेशन हो सकती है राइट कि ऐसी में नहीं करना एक प्रॉपर टाइम टेबल का होना चाहिए जरूरी होता है राइट प्रॉपर गाइडेंस का होना बहुत जरूरी होता है कि भाई मैम सही तरीके से प्रिपेयर करें और प्रॉपर सोर्सेज जहां से आपको पढ़ना है अगर आप ये और सबसे इंपॉर्टेंट कंसिस्टेंसी अगर ये चार चीजें आपके पास हैं तो आपका एग्जाम क्लियर होने से कोई नहीं रोक सकता ये सोर नो आ रहे कि नहीं बारे में और एंड या सिर्फ क्वालिटी के बारे में बात करें लेकिन बाकी सारे सब्जेक्ट्स के बारे में भी डेफिनेटली हम बात करेंगे कि उसको बाकी सारे टॉपिक्स भी कैसे कवर करने हैं येस सर नो आई होप आई एम मेकिंग सेंस टू यू बट एंड नाउ आई विल बी टेलिंग यू वन थिंग येलिंग यू कैसे है आप ओके नाव आइल बिल टेलिंग यू हाउ यू कैन प्रिपेयर वेरी एक्सटेंसिवली बहुत इफेक्टिवली प्रिपेयर करना हो अगर आपको तो उसके लिए अभिमन्य ने पंजाब पीसीएस के लिए एक प्रॉपर एक कोर्स फुल लेंथ कोर्स लॉन्च कर रखा है जहां पर आपका प्रिलिंस फ्लस मीन एवरीथिंग इज कवर्ड फॉर यू राइट सो आई विल बी शोइंग यू हाउ यू कैन एक्सेस टू दिस कोर्स

राइट दिस इज द फुलेंथ कोर्स राइट दिस इज द फुलेंथ कोर्स अवेलेबल फॉर यू वी हैव अदर ऑप्शन एज वेल बाकी सारे ऑप्शन भी अवेलेबल है फुल लेंथ कोर्स भी यहाँ पर अवेलेबल है इस पर क्लिक करके आप रजिस्ट्र इसका रजिस्ट्रेशन लिंक भी बाय द वे मैंने जी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड करा दूंगा वहां पर आप क्लिक करके अपनी पर्टिकुलर कोर्स के सब्सक्राइब कर सकते हैं कोई भी आपको क्वेरी है राइट कोई भी क्वेरी है यू कैन आस्कस इन द कमेंट सेक्शन और यू कैन कॉल अन टूर्ज द आप सपोर्ट नंबर पर भी कॉल करके हमसे पूछ सकते हैं राइट ईच एंड एवरी विल बी रिजॉल्व फॉर यू राइट ओके सो अगेन रिमाइंडर है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रजिस्ट्रेशन लिंक है साथ में सपोर्ट नंबर प्रोवाइडेड है कोई भी क्वेरी इस पर कॉल करिए और कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं सो नाउ विद ऑल दिस इन्फॉर्मेशन आई विश यू गुड लक फॉर योर फ्यूचर एंड डेवर्स एंड अंटिल आवर नेक्स्ट वीडियो टेक केयर एंड बाय थैंक यू